बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। मेरठ में सरधना ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हाई प्रोफाइल हो गया है। मेरठ की सरधना सीट से भाजपा विधायक संगीत सोम की पत्नी सिमरन ठाकुर ने आज ब्लॉक प्रमुख के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सिमरन ठाकुर पहले भी सरधना ब्लॉक की प्रमुख रह चुकी हैं। संगीत सोम ने पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है, जिसके बाद सरधना ब्लॉक पर केवल एक ही नामांकन पत्र खरीदा गया और अब सिमरन ठाकुर का निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बना तय हो गया, यानी विधिवत घोषणा बाकी है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstByte.tv। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भाजपा के फायर ब्रांड नेता और मेरठ के सरधना सीट से विधायक संगीत सोम की पत्नी एक बार फिर से राजनीति में ताल ठोक चुकी हैं। इससे पहले वर्ष 2012 से 2017 तक सरधना ब्लॉक की वह प्रमुख रह चुकी हैं। हालांकि वर्ष 2017 से अब तक भाजपा के कुलदीप ब्लॉक प्रमुख का कार्यभार देख रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर भाजपा ने सिमरन ठाकुर पर अपना भरोसा जताया है। मेरठ के सरधना ब्लॉक प्रमुख पद के लिए केवल सिमरन ठाकुर ने ही नामांकन पत्र खरीदा और आज दलबल के साथ नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया। पत्नी को निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए संगीत सोम ने राजनीतिक बिसात बिछा दी है। माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में संगीत सोम का अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना असर है यह भी तय होगा। इसका रिजल्ट इसी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आ जाएगा, यानी यह चुनाव सरधना विधान सीट का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इस मौके पर प्रत्याशी सिमरन ठाकुर ने मीडिया से यह बात की। क्षेत्र की जनता की सेवा करना, जिन लोगों ने उम्मीद से मुझे बनवाया है ब्लॉक प्रमुख, मैं उनके उनके फैसले पे अटल रहूं, जो वो चाहते हैं मैं उनके काम करवाऊं क्षेत्र में। मौके पर मौजूद भाजपा विधायक संगीत सोम ने यह कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सिमरन ठाकुर प्रीति सोम जी को यहाँ से डिक्लेयर किया है और पूरे ज़िले में ही हर ब्लॉक पे डिक्लेयर किया है। भारतीय जनता पार्टी आज हर ब्लॉक पे पर्चा भरवाने का काम कर रही है और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ हर ब्लॉक पे चुनाव जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा का कुशासन था, जिस तरीके से उस कुशासन से त्रस्त थे लोग, जिस तरीके से उस शासन में लोगों ने त्राही त्राही देखी है, आज उस त्राही त्राही से बचने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरफा जिस तरीके से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, उसी तरीके से 99% ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बन रहे हैं। पहले BDC का चुनाव जो निर्विरोध जीता था, इसमें क्या लग रहा है कि ये भी निर्विरोध? अब वो देखिए, वो ये एक प्रक्रिया है, जो भी उसमें होगा, हम लोगों ने पर्चा भरा है, कोई भरेगा तो देखेंगे। बाकी हमें ये पता है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष में हासिल हुआ है कि उनके पास प्रस्तावक भी नहीं थे, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ उनके पास प्रस्तावक भी होंगे। आपके अलावा किसी ने पर्चा खरीदा है? अब ये तो आप आरओ से पूछेंगे, मुझे तो नहीं पता होगा। 2022। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जान माल की सुरक्षा के साथ ही सरकार ने लोगों के रोजगार के लिए अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। ऐसे में और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। याद रखिए, कोरोना कम अवश्य हुआ है लेकिन खत्म नहीं। जब तक जरूरी न हो घर से ना निकले, मास्क वे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें, सेफ रहें और देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।